विशेष मुख्य सचिव बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा राम सुभग सिंह आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे। विशेष मुख्य सचिव बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा राम सुभग सिंह ने आज यहां उपायुक्त कार्यालय सभागार में प्रदेश में पन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने हेतु यहाँ पहुँचे थे। बैठक में रेणुका बांध प्रबंधन के अधिकारी, बिजली बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। राम सुभग सिंह ने कहा कि अक्षय ऊर्जा समय की मांग है और इसके दोहन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि थर्मल ऊर्जा के उपयोग को पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाए, सौर ऊर्जा की अवधारणा को अपनाने के लिए लोगों को तैयार करने के लिए सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन की गुणवत्ता तथा ट्रांसमिशन क्षति को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने ऊर्जा ऑडिट की आवश्यकता पर भी बल दिया। नाहन आना प्राइमरली दो कारणों से हुआ। एक तो मुख्यमंत्री जी ने जो नई जिम्मेवारी मुझे दी है पावर की डिपार्टमेंट की, और साथ में जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना और किसानों को मिल्क, जो हमारे डेयरी उत्पादक किसान हैं उनको कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनको रेट कैसे अच्छा दे सकते हैं, वो दूसरा विषय आज के लिए ये था। तो आज हमने रेणुका डैम के प्रोग्रेस के बारे में समीक्षा की यहाँ पर, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की प्रेजेंटेशन भी हुई, पावर कॉरपोरेशन की भी प्रेजेंटेशन हुई, बिजली बोर्ड वाले भी थे। और प्रयास हमारा यही रहेगा कि रेणुका डैम पर काम हम जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं, और जो उसमें बीच में अड़चनें आ रही थी उनको भी आज मैंने समझने की कोशिश की है। तो एक तो मुद्दा आज की इस बैठक का नाहन में रखने का ये था कि रेणुका क्योंकि नाहन जिले में ही स्थित है, सिरमौर जिले में स्थित है, इसलिए यहीं बैठकर इस विषय पर बातचीत में करना चाहता था। समस्याएं चली हुई हैं, वो अदालत में भी विचारा था, क्या उन पर कुछ चर्चा हुई सर? हाँ, उन पर चर्चा हुई, उन समस्याओं को आज मैंने ध्यान से समझा है और इस विषय पर और आगे विस्तार से बात करने की ज़रूरत है। तो शिमला में बैठकर इन सभी विषयों पर, विस्थापितों के विषयों पर भी प्रयास यही रहेगा कि इन समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। 7,000 करोड़ के करीब इस पर व्यय होंगे इस परियोजना को पूरी करने के लिए, तो इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना पड़े और जो हमारे लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं उनको भी उचित रिहैबिलिटेशन का पैकेज मिले, यही प्रयास रहेगा।